आज मैं बात करूंगी मदरसे की। जीवन में पहली बार मैं किसी मदरसे के भीतर दाखिल हो रही थी। मैंने देखा कि मदरसे में मस्जिद है, मदरसे में हॉस्टल है, मदरसे में क्लासरूम्स है जिनके नाम उर्दू में लिखे थे। मैंने देखा मदरसे में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का कक्ष है, वहाँ एक कंप्यूटर है जिस पर एक व्यक्ति काम कर रहा था। मदरसे में मैदान भी था, मैंने मदरसे में कैंटीन भी देखी, लेकिन मुझे तलाश थी आतंक के अड्डे की। मदरसे में कहीं वो आतंक का अड्डा दिखाई नहीं दे रहा था जो अक्सर न्यूज चैनलों पर दिखाई देता है। मदरसे की किसी मौलाना की दाढ़ी में मुझे आतंकी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि टीचर्स, जिनको बच्चे उस्ताद या दूसरे नामों से बुलाते हैं, उनमें प्रिंसिपल के सामने खुद को अच्छा शिक्षक दिखाने की होड़ चल रही थी, खुद को बेस्ट क्लास टीचर दिखाने की कोशिशें चल रही थी। मैंने देखा कहीं उर्दू की क्लास चल रही थी, कहीं हिंदी की क्लास चल रही थी, कहीं अरबी पढ़ाई जा रही थी, कहीं विज्ञान पढ़ाया जा रहा था, कहीं अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। मैंने बच्चों की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना देखा। और आप क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे? मैंने बच्चों को मौलवी बनने की बात कहते हुए भी पाया। आप क्या बनोगे, जल्दी बता दो? मौलाना। कोई बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है कि जी मैं तो मौलवी बनूंगा, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोला मैं साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन मैं गोदी मीडिया को देख करके गई थी। मुझे तो तलाश थी उन बच्चों की जो कहते कि मैं आतंकवादी बनूंगा जी, मैं फिदायीन बनूंगा। लखनऊ के जिस माहद मदरसे में मैं गई थी, वहां पूरे देश से बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ तक कि विदेशों के बच्चे भी थे। मैं नेपाल का रहने वाला। नेपाल के रहने वाले हो? कहाँ से आए हो? आसाम से। हम कश्मीर से। कश्मीर से हो आप? कहाँ से आए हो? बिहार से। आप बताओ? सिद्धार्थ नगर। आप बताओ? यूपी। बताओ? दिल्ली। मैंने सारे बच्चों के बस्ते चेक करवाए, एक एक किताबें खंगलवाई, लेकिन किसी के पास बम बनाने की बुकलेट नहीं मिली। किसी के बस्ते में बम बनाने का सामान भी नहीं निकला, ना कोई डेटोनेटर, ना कोई जेलेटिन की छड़े, ना कि माचिस का कोई बुरादा। आश्चर्य था कि सबके सब पढ़ने आए थे, सबके सब बस्ते में पेन कॉपी यही लेकर के आए थे। फिर मदरसे में आतंक का वो अड्डा कहाँ था जो मेनस्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनलों पर दिखता है? अगर टीवी वाला मदरसे में आतंक का अड्डा नहीं भी खोज पाता है, तो भी मदरसे को आतंक का अड्डा बताता है।